सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। तो सबसे पहले हम अस्तल को काटेंगे। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई 10 इंच। अब यहाँ पे हम एक चौकू का निशान लगा लेंगे। अब इसको भी हम बाद में लगाएंगे यहाँ से। पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और ये दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली। अब हमारी ये पट्टी है 2 इंच की चौड़ाई है, इसके ऊपर रख के पहले सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ से टुकड़े कर लेंगे 1.5 इंच के। अब इस तरीके से हम ये कुंदे बनाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे।
पाइपिंग के लिए हमें कपड़े को तिरछा करना है, जैसे गले में पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से हमें कपड़े की कटिंग करनी है। सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखे होंगे। अब यहाँ पे हम पतली सी पाइपिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ये लेस को लगा लेंगे। अभी हमारा जो कटिंग का जो नीचे का कपड़ा था इसको बनाएंगे, जो यहाँ पे हम ये पैटर्न को लगाएंगे। अब पहले हम अस्तर और इसको रख के पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे किनारे पे, दोनों साइड ऊपर और नीचे। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पे भी हम लेस लगा लेंगे। अब हमने ये कपड़ा लिया है तो इससे हमें डबल लेना है, तो हमने इससे डबल लिया है। अब इसको हम यहाँ पे पहले एक सिलाई लगा लेंगे। इसको डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे। यहाँ पे चुन्नट डाल लेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ से नीचे से लगाएंगे।
अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। और यहाँ पे कोई बटन डिजाइनर या कोई इसमें झूमर लगाएंगे। अब इसी के बराबर हम निशान लगा लेंगे। अब इसको भी हम यहाँ से नीचे से जोड़ लेंगे। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आप इसमें डोरी लगाना चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।